मैनपुरी के ग्राम भवानीपुर में पिता को न्याय दिलाने के लिए बेटी ने खोला मोर्चा। जनपद मैनपुरी में एक बेटी ने अपने निर्दोष पिता को न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित बेटी का आरोप है कि चुनाव रंजिश के चलते विरोधी लोगों द्वारा उसके निर्दोष पिता को झूठे हत्या के मुकदमे में फंसा दिया गया है। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के बिना निर्दोष पिता को जेल भेजा है। पीड़ित बेटी ने जिला प्रशासन से जल्द उसके निर्दोष पिता को जेल से रिहा कराने की मांग की है। बताते चले कि पूर्व मामला जनपद मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र का है, जहां ग्राम भवानीपुर पतारा में बीते 3 नवंबर को अरविंद पुत्र मुन्नालाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते विरोधी पक्ष के लोगों ने मृतक पक्ष के साथ मिलकर बबलू सिंह उर्फ सुनील चौहान पुत्र शिवराज सिंह का नाम भी FIR में शामिल करा दिया है। बबलू सिंह उर्फ सुनील चौहान की बेटी अनामिका सिंह का आरोप है कि पुलिस ने मामले की बिना जांच पड़ताल की उसके निर्दोष पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और उसके निर्दोष पिता जेल में बंद है। पीड़ित अनामिका सिंह ने क्षत्रिय समाज के लोगों की एक बैठक कर ग्राम पतारा में आयोजित की और सभी से अपने पिता को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बैठक में सैकड़ों की तादाद में जुटे क्षत्रिय समाज के लोगों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन और शासन से मामले में निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। मैनपुरी से अवनीश शाह की रिपोर्ट। संख्या में लोग जुटे हुए हैं, क्या वजह है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि मेरे पापा को निर्दोष फंसाया गया इस मामले में, तो उनको राजनीतिक तौर पर फंसाया गया है, जैसे कि प्रधानी रंजिश हुई, इन सब चीज़ों को लेकर फंसाया गया है। और जिस टाइम पे मर्डर हुआ है मेरे गांव में, उस टाइम पे पापा गांव में मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि मेरे पापा को आज निर्दोषी में सजा, एक महीने से जेल में पड़े हैं, हम चाहते हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए। आप न्याय की गुहार लगा रही हैं, पिता आपके जेल में हैं, तो क्या जिला प्रशासन और शासन से आप मांग कर रही हैं? हम यही मांग करें कि निष्पक्ष जांच की जाए उनसे और मेरे पापा निर्दोष हैं, उनको बाहर निकाला जाए। निर्दोष पकड़े गए हैं। दीपावली के दिन सुबह सुबह ये गाड़ी धो रहे थे, इनको पुलिस आई कि कुछ पूछताछ करनी है और उठा कर ले गए, ठीक है। उसके बाद मैं मोबाइल ले लिया और बंद कर दिया। जब मैंने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, रास्ते में थे, तब जो है उन्होंने कहा कुछ नहीं, पूछताछ के लिए बुलाया है, तो जो है हम अभी ड्राइवर भेज देना, मैं आ जाऊँगा। तो उस थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको नामजद रिपोर्ट में दर्ज है उनके नाम पर। क्या मांग करती हैं आप शासन प्रशासन? जी, मैं शासन प्रशासन से ये मांग करती हूँ, एक महीना हो गया मेरे निर्दोष पति जेल में डाल रखा। मैं सभी नेतानगढ़ के पास भी गई, आईजी आगरा भी गई हूँ, कप्तान साहब के पास भी गई हूँ, और मैंने मतलब हर संघर्ष किया है अपने पति के लिए, और सबके आगे मांग की, रोई गिड़गिड़ाई, पर SP साहब ने खैर अभी हमारी मदद की है, आईजी आगरा साहब ने मदद की है, पर जो नेतागण हैं उन्होंने कोई खास में उसमें हमारे केस में इंटरेस्ट नहीं लिया है। कि मतलब नेतागणों ने कहा है कि देख लीजिए का अपने हिसाब से, अपने हिसाब से क्या, यदि हम कह दें योगी जी आए, या हमने कहीं कुछ मर्डर होता हम ये बोल दें कि योगी जी आए थे और रात में मर्डर करके चले गए, तो ये बात सही नहीं है। मैं कप्तान जो CO वहाँ पे हैं कराए, मैं अपने हस्बैंड के साथ साथ गई, सर मेरे पति निर्दोष है, आप मौका दीजिए, मैं साबित करूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं निर्दोष है, मेरे पास सबूत है, एफिडेविट, आप हमें मौका दीजिए, जेल मत भेजिए। पर CO करैल, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं कहती रही सर मेरे पति निर्दोष है, मेरे पति का कोई लेना देना नहीं, मेरे पति तो कुर्रा मौजूद थे, ATM पर 6:30 बजे वहाँ मौजूद थे, उनका कोई लेना नहीं, जब मार्केट कर रहे थे, बाजार कर रहे थे, ये मर्डर हुआ उसके कम से कम 20-25 मिनट बाद वो घर आए, मैंने ही उनको बताया कि गाँव में कुछ हुआ है, लगभग आधा गाँव देख कर आ गया था, उसके बाद में मेरे हस्बैंड गए हैं, ठीक है। सरकार से क्या मांग करती हैं? मैं सरकार से ये मांग करती हूँ, जो दोषी हैं जिन्होंने मेरे पति को झूठे केस में फंसाया है, उनको सजा दी जाए। मैंने माँ बेटी ने 3 बार मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज हुई, माँ बेटी पूरे पूरे दिन भूखे प्यासे, हम लोगों को उल्टियाँ तक होने लगती है, भूखे रात दिन भागे हैं,
किस बात की सजा हमने काटी ये निर्दोष होते हुए कि कोई भी हमारे से हमारे ही समाज का आदमी हमारे पति में रंजिश के दौरान नाम लिखा देगा और हम माँ बेटी हमारे पति का क्या दोष था। दीपावली के दिन मेरे घर में झाड़ू नहीं लगी। आप सबको पता होगा, काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है कि भवानीपुर में एक कांड हुआ था हत्या का, और उसमें प्रशासन की गलती से या गांव के कुछ आपस के मते किसे विरोधाभास से एक बिल्कुल निर्दोष जो आदमी तटस्थ भी नहीं, जिसकी जानकारी में भी नहीं, उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस का काम था एक दो दिन चार दिन उसे अपने कस्टडी में रखते और अंतिम चरण तक ये देखते कि वास्तविकता क्या है, लेकिन नहीं। और उन्हें जेल भेजने के बाद ये समाज बिल्कुल शांति से बैठा रहा, जबकि एकदम जैसे ही जेल भेजने से पहले ही हमें आज जो सक्रियता दिखाई दे रही है वो खुशी का विषय है कि मैं समझता हूँ 200 गांव का ये लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, आज जो सक्रिय हुए हैं। मेरी जानकारी में तो वैसे तो मिल गया था जानकारी में पेपर वेपर के माध्यम से, लेकिन एक सप्ताह से मेरी जानकारी में ये विषय आया, उसी दिन से मैं सक्रिय हुआ हूँ। और ये लोग केवल इसलिए इन लोगों को बीच में यहाँ बैठने की नौबत आई कि इन लोगों के द्वारा पता लगे कि वास्तविकता क्या है, और जब शासन और प्रशासन को वास्तविकता का पता लगेगा और लोग संघर्ष करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग? शासन प्रशासन से केवल ये मांग है, दोषी छूटना नहीं चाहिए ये न्यायिक दृष्टि से, और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। कोर्ट में भी जब हम जाते हैं तो जिला जज जो है ये देखता है कि निर्दोष एक पॉइंट पर भी न फंस जाए,